हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन वन कोर्स विद आकाश। और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ पम्पकिन जैम। जी हाँ, मैं आज पम्पकिन से जैम बनाऊंगा। चलिए देख लेते हैं कि पम्पकिन के जैम बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, और इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग से इन तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आपको 1/4 पम्पकिन लेना है। आप देख सकते हैं 1/4 मैंने पम्पकिन लिया है। चलिए इसे कट कर लेते हैं। एक नाइफ की हेल्प से आप इसका क्या करें, जितना भी इसका हार्ड एरिया है वो निकाल लीजिए, और इसके जितने भी सीड्स हैं आप देख सकते हैं जितने सीड्स हैं, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। इसको रिमूव कर लीजिए आप अच्छे तरीके से। पहला हमारा देख सकते हैं पूरा निकल गया है। अब ऐसा ही मैं सारे पम्पकिन के जितने भी क्यूब्स कट किए हैं इसको मैं पील कर लेता हूँ, और इसके बीच जितने भी सीड्स इसको निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा पम्पकिन अच्छे तरीके से पील हो चुका है। मैंने इसके पील्स में निकाल लिया है और इसके सीड्स निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे साइड में करके आपको एक ग्रेटर की हेल्प से सारे पम्पकिन को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने सारा पम्पकिन ग्रेट कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रेट हुआ है। इसके जूलेस बहुत पतले पतले निकले हैं, देख सकते हैं आप। तो सारा पम्पकिन ग्रेट कर लिया, अब इसको आगे जैम बनाने के प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक स्टील का बड़ा सा बोल लेना है। अब आपको क्या करना है, इसमें 1 कप ऑफ इसमें आपको वाटर ऐड कर लेना है। मैं इसमें 1 कप ऑफ पूरा वाटर अच्छे से ऐड कर लिया, मैंने लार्ज कप वाटर लिया था इसमें। अब इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, 1 कप जो शुगर था आपका था इसमें आपको पूरा अच्छे से इसमें ऐड कर लेना है। अब आपको इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। जब आपको लगे कि इसको अच्छे से बॉईल करना है, जब आपको लगे कि बॉइलिंग वाटर पे अच्छे तरीके से आ चुका है, इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, तब तक आप इसको अच्छे से बॉईल करना है। अब आपको लगे कि जब इसमें अच्छे से बॉइलिंग आने लगे, ये शुगर सारा मेल्ट हो गया है, तो उसके बाद आपको इसमें जो ग्रेटेड पम्पकिन ऐड करना है। चलिए मैं इसको अच्छे से बॉईल कर लेता हूँ पहले। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि इसमें सारा शुगर इसमें ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, डिजॉल्व हो चुका है, और वाटर हमारा बहुत बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर पर आ चुका है। इस टेम्परेचर पे आपको क्या करना है, इसमें आपने जितना भी ग्रेटेड पम्पकिन था आपको इसमें ऐड कर लेना है। इसे मैंने सारा पम्पकिन इसमें ऐड कर लिया है। अब आपको इसे अच्छे तरीके से कुक करना है, जब तक आपको लगे कि ये बहुत गाढ़ा हो चुका है या इसमें सारा जितना शुगर सिरप आपका जितना तैयार था वो सारा इसमें अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो जाए। चलिए मैं इसको सारा कुक कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है, और इसमें ऑलमोस्ट वाटर सारा इसमें डिजॉल्व हो चुका है। इसे मैंने 20 मिनट तक कंटिन्यूसली कुक किया है। पूरा बनाने में से 28 मिनट लगेगा, बट इसमें 20 मिनट तक कंटिन्यूसली किया है। जितना वाटर था ऑलमोस्ट में सारा डिजॉल्व हो चुका है। तो आपको ऐसे इसमें स्टर करते चलाते रहना है, देखिए साइड से कहीं लग ना जाएंगे। ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब आपको इस टेम्परेचर पर करना क्या, आपको इस कंडीशन में आपको इसमें 1/4 टीस्पून टेबल स्पून टी स्पून लेना है। आपको इसमें कार्डमम छोटी इलायची का पाउडर इसमें आपको ऐड कर लेना है 1/4 टीस्पून। मैं इसमें सारा अच्छे से ऐड कर लिया हूँ। अब ऐड करने के बाद इसको उसको अच्छे तरीके से आपको स्टर करते रहना, और आपको इसे अब 5 मिनट तक और अच्छे से कुक कर लेना है। जब आपको लगे कि जिसमें अच्छे तरीके से सारा वाटर डिजॉल्व हो चुका है, पूरा सूख चुका है, जैम के कंसिस्टेंसी में आपको आ चुका है। चल मैं इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेता हूँ, सारा वाटर इसमें और अच्छे तरीके से सूख जाए, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा ये पम्पकिन जैम पूरा अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। इसमें जितना भी वाटर सारा एब्जॉर्ब हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा बन चुका है। चलिए इसकी प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। प्लेटिंग के लिए आपको सिंपल से खाली बोल लेना है, और आपको इसमें अपना सारा जैम इसमें पोर कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कलर आया है, बहुत अच्छा कलर इसमें कलर आया है, और पूरा जैम की कंसिस्टेंसी में पूरा अच्छे तरीके से आ चुका है। मैं बाउल पूरा इसमें फिल कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, हमारा जैम बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा जैम है ये। आप तरह तरह के फ्रूट जैम बनाते हैं, इसको आप घर पे ट्राई जरूर करिएगा।
सो फ्रेंड्स, आपने डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के जैम खाए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के जैम्स खाए होंगे, बट मैं आपको उम्मीद से ये कह सकता हूँ कि आपको हमारा पम्पकिन जैम पसंद आया होगा। वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपको घर में जैम खाने का बहुत जल्दी मन है, या घर पे जैम नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप घर में कोई बचे हुए वेजिटेबल्स बना सकते हैं। मैं बचे हुए वेजिटेबल्स में क्या लिया हूँ, मैंने पम्पकिन लिया, मैंने पम्पकिन को ग्रेट किया, आपने वीडियो में देखा कैसे कैसे मैं बनाया हूँ, तो बहुत अच्छा था हमारा बनाया ये। तो आप इसे घर में ट्राई जरूर करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। सो आपको बता दूं कि अगर हमारी वीडियो पे आप नए हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा दूसरा भी एक चैनल है नॉलेज हिंदी के नाम से, जिसमें ब्लॉग्स व्लॉगिंग करता हूँ, ब्लॉग्स की वीडियो डालता हूँ, मैं कुछ अनबॉक्सिंग करता हूँ, अनबॉक्सिंग की वीडियो डालता हूँ। तो आप उस चैनल पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मेरा कुकिंग पेज है कुकिंग हब के नाम से, तो आप उस चैनल को हमारा लाइक करिएगा, चैनल को लाइक करके देख लीजिएगा चैनल हमारा कैसा है। और फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं कुकिंग के कुछ टिप्स बताता हूँ, कुकिंग कुछ नए नए वीडियोज़ बनाता हूँ, जो भी मैं वीडियोज़ बनाया करता हूँ कुकिंग से मैं रिलेटेड, अपडेटिंग जितनी वीडियोज़ रहती हैं मैं सारा अपडेटिंग मैं उसमें इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पेज पर डाला करता हूँ। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पे पेज की और फॉलो इंस्टाग्राम की दोनों की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप दूसरे चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, मैं उस पर वीडियो डाला करता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।